वेलकम टू स्टडी 92। मैं अमरीश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 92 ऑपरेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जो है इसी चैनल पर जो है आप लोगों को मैथमेटिक्स और साइंस कराया जाता है। तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोज होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाएंगे। तो आज जो हम लोग रीड करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ यानी कि लेशन 1 और एक्सरसाइज रहेगा आप लोग का 1.1। तो आप यहां देख सकते हैं कि वेलकम टू क्लास। तो जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनके लिए यह वीडियो है, जो बच्चे क्लास 11th में हैं अभी क्लास 11th में गए हुए हैं, बहुत बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, बहुत बच्चों का रिजल्ट जो है अभी नहीं आया है। यूपी बोर्ड का जो है रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है 5 या 6 तारीख को जो है आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लोग ऑलरेडी 11th में चला जाइएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7250205670, आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि आपके लिए क्या है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्लास 11th का पहला चैप्टर का नाम है सेट्स यानी कि समुच्चय। तो समुच्चय जो है आज हम लोग रीड करेंगे, एक्सरसाइज जो रहेगा आप लोगों का 1.1 और क्वेश्चन संख्या जो आप लोग यहां देख सकते हो कि क्वेश्चन कौन सा रहेगा, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। क्वेश्चन एक, क्वेश्चन दो और क्वेश्चन नंबर तीन जो है आज हम लोग रीड करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं हम वीडियो को और वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दे और साथ में एक लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि वैसे ही रोज एक वीडियो जो है आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहेगी। क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, अभी क्लास 12th की जो है स्टडी नहीं चली है, क्लास 12th की भी स्टडी बहुत जल्दी चालू होने वाली है। और एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोग को मैं देना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चा 9th क्लास में है या आपके छोटे भाई है, आपके रिलेशन में कोई 9th क्लास में है, तो नून एकेडमी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लें। नून एकेडमी एप्लीकेशन पर जो है मैं 9th क्लास का मैथ पढ़ा रहा हूँ, टाइम रहेगा मेरा 5 बजे से 6 बजे तक है। तो आप सभी एक बच्चों को इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा क्लास 9th वाले बच्चों को कि नून एकेडमी एप्लीकेशन पर जो है मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ सिर्फ क्लास 9th। तो चलते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का। पहला एक्सरसाइज आप लोगों के सामने यहाँ दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। और जो क्वेश्चन है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है और यह ऑब्जेक्टिव भी आता है आप लोगों के लिए और सब्जेक्टिव में भी आता है। यानी कहने का मतलब बना आप लोग के लिए कि यह 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जे अक्षर से, देखिए जे अक्षर से यानी जे कौन सा अक्षर आपके अल्फाबेट में, जे अक्षर तो पता है ना कि जे अक्षर अल्फाबेट में होता है, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले ठीक है वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यानी कि जे अक्षर से यानी कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्षों के संग्रह आपको निकालने हैं, वर्ष के महीनों के संग्रह। यहां देख सकते हैं कि वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जो जे से शुरू होने वाला है। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि मेरे एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने जो है जे से शुरू होने वाले हैं, और 12 महीने में जे से शुरू होने वाले कौन कौन से महीने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जे से शुरू होने वाले कौन कौन से महीने हैं। ऑब्वियस है कि इसका आंसर जो है मैं यहाँ ऊपर में शो करता हूं, इसका आंसर जो है मैं ऊपर में देता हूँ कि जे से शुरू होने वाले प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों के नाम, यानी जे से शुरू होने वाले महीने का नाम जनवरी, जनवरी हो गया, आपका जून आ जाएगा इसमें, अभी जो महीना चल रहा है उसके बाद जुलाई, यानी जनवरी, जून और जुलाई। अगस्त आएगा नहीं, सितंबर आएगा नहीं, अक्टूबर आएगा नहीं, नवंबर आएगा नहीं, दिसंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि जे से शुरू होने वाले अक्षरों का संग्रह भी आपसे पूछा गया है। तो जे से शुरू होने वाले संग्रह का नाम तो आपने देख लिया यहाँ पे कि जे से शुरू होने वाले संग्रह का नाम कौन कौन सा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ हो गया आपके पास सबसे पहले जनवरी, याद रखिएगा आप लोग समझदार है, उसके बाद यहाँ जून हो सकता है और यहाँ
या तीन महीना है जनवरी जून और यहाँ पे जुलाई, या तीन महीना जो है आपका जे अक्षरों के वर्ष के प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यहाँ देख सकते हैं दूसरा अक्षर आपसे पूछा गया है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का। अब देखिए कि यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि 10, यहाँ पूछा गया क्या आपसे कि 10 भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम, तो 10 प्रतिभाशाली लेखक का नाम क्या यह संग्रह है या नहीं है। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखा ना तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जाके वीडियो मेरा देख लीजिए कि संग्रह होता क्या है। 10 यहाँ पे पूछा गया है लेखकों का संग्रह, तो 10 लेखक का संग्रह यह संभव है आप उसका विवरण जो है दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई आपको लेखक जैसे प्रेमचंद अच्छे लगते हैं, मानते हैं हम यहाँ पे सिंगल नंबर क्वेश्चन दिया गया है तो हम लिख लेते हैं यहाँ की प्रेमचंद अच्छे लेखक हैं, इस बात को हमें मानता हूं और आप भी मानते हो। अगर आपके फ्रेंड के जानता है फ्रेंड आपका तो बोलता है नहीं प्रेमचंद मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, सुमित्रानंद पंत जो है वह मुझे अच्छे लगते हैं, यहाँ भी हो सकता है। या आपको रविन्द्रनाथ टैगोर अच्छे लगते हो या मदर ट्रेसा अच्छी लगती हो, या आपको बहुत सारे लेखक हैं, हर लेखक को अलग अलग उनकी गतिविधियां है, हर का अलग अलग अपना निबंध है, अपना काव्य है, अपना कहानी है, अपना डायरी है, तो हर लेखक का संग्रह हम एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 10 से अधिक प्रतिभाशाली, तो यह संग्रह आपका नहीं है, यह संग्रह जो है यह नहीं है, यह संग्रह नहीं है, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, यह संग्रह बिल्कुल नहीं है। सेकंड तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब फिर यही क्वेश्चन आ गया दोबारा कि विश्व के सबसे 11 बोला गया है, हाँ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब आप मुझे बताइए कि विश्व के 11 बल्लेबाज क्या सब आपको अच्छे लगते हैं? क्या सब आपको अच्छे लगते हैं? संभव है कि हाँ सब मुझे अच्छे लगते हैं? कहीं आपको विराट कोहली अच्छा लगता है तो कोई एमएस धोनी अच्छा लगता है, कहीं एमएस धोनी अच्छा लगता है तो किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगता है, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगता है तो किसी को एबी डिविलियर्स अच्छा लगता है, किसी को एबी डिविलियर्स लगता है तो किसी को बटलर अच्छा लगता है, किसी को बटलर अच्छा लगता है तो किसी को सैमसंग अच्छा लगता है, किसी को सैमसंग अच्छा लगता है तो किसी को पाटीदार अच्छा लगता है। तो बहुत सारे यहाँ बल्लेबाज हैं जिसका संग्रह एक जगह हम नहीं कर सकते हैं, जिसकी तुलना हम एक जगह नहीं कर सकते हैं। तो यह आपका 11 बल्लेबाज जो दिया गया है, 11 बल्लेबाज दिया गया है बल्लेबाज, उसका संग्रह होगा? बिल्कुल कतई भी नहीं होगा, यह संग्रह बिल्कुल नहीं है। संग्रह यानी कि यहाँ बोला गया ना संग्रह, संग्रह क्या है? सुपरिभाषित, जिसका सुपरिभाषित हो वही संग्रह होता है, जिसका सुपरिभाषित नहीं होता है वह संग्रह नहीं होता है, इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। संग्रह उसे ही बोलते हैं जिसका सुपरिभाषित हो, सुसंग्रह हो, उसे हम क्या कहेंगे? संग्रह बोलेंगे, अगर नहीं है तो वह नहीं है। अगला चार नंबर क्वेश्चन बोला है आपसे कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। हाँ भाई, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्या सभी बालकों का संग्रह एक है? क्या एक हो सकता है? यस या नो? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? तो यहां एक छोटी सी बात आप जान लीजिएगा कि यहां संग्रह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एकदम ऑब्वियस है हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जैसे एग्जाम्पल में हम यहां लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास चलते हैं कि दो फ्रेंड है, सपोज मानिए कि आपके पास एक फ्रेंड हुआ, दो बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा रहते हैं यहाँ पे और यहाँ चौथा बच्चा नहीं रहते हैं, क्या चार बच्चे नहीं है, और मैंने आपसे पूछा कि क्या बताओ मुझे कि आपके स्कूल में, आपके स्कूल के जिस कक्षे में आप पढ़ते हो उस कक्षे में कितने विद्यार्थी हैं? तो एक ने खड़ा हुआ और काउंट करके बोला कि सर 45 बच्चे।
अब दूसरा भी बच्चा को खाना खिलाया गया, उसे पूछा गया तो भी काउंट करके बोला क्या है 45 बच्चे, इससे से काउंट करके बोला गया तो भी बोला है 45 बच्चे, चौथे को खड़ा करके पूछा गया कि कितने बच्चे हैं इसमें तो 45 बच्चे। तो यानी यहां बोला है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह कितना हुआ तो 45 हुआ, यानी सभी का संग्रह बिल्कुल समान है, तो यह बिल्कुल क्या है आपका सही है कि यह संग्रह है। तो बोलिए यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दें और कमेंट में जरूर कमेंट करें कि हाँ सर मुझे यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है। आप लोगों में बोलूंगा 95% जो है आपका एग्जाम में ओनली फॉर मैथ में मैं ला के दूंगा, मैं ला के दूंगा, थोड़ा सा आप बस मेहनत कर लीजिएगा और मेरा परसेंटेज जो है 95 रहेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप कितना स्टडी करते हो, थोड़ा सा स्टडी अगर पर डे 2 घंटा 2.5 घंटा मेहनत कर लोगे ना तो ऑब्वियस है कि आप अपने एग्जाम में जो है बहुत अच्छे नंबर से पास आउट करोगे। इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि इस बार के एग्जाम में 95% जो है क्लास 10th का बच्चा इकलाया हुआ था सिर्फ मैथ में, एक बच्चा नहीं, मेरे पास 5 बच्चे थे जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग के थे और 3 बच्चे जो थे वो ऑनलाइन यूट्यूब से मैंने स्टडी किए थे। तो बताइए कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा। और इस बार मुझे लगता है कि इस बार जो बहुत अच्छे बच्चे ने मेरे पास स्टडी किया था लगभग 87 बच्चे ने कंटिन्यू स्टडी किया था मेरे साथ, तो हो सकता है कि उनका भी परसेंटेज जो है आपकी 95 क्रॉस कर जाए उत्तर प्रदेश बोर्ड का, एमपी बोर्ड का और राजस्थान बोर्ड का, या 3 बोर्ड का मैं चैलेंज देता हूं कि उनका परसेंटेज जो है 95 प्लस आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे। और 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आया, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब यहां बोला गया 100 से कम सॉरी तबीयत खराब है, हाँ 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कितना होता है, 100 से कम प्राकृतिक संख्या कितने हो जाएंगे बच्चों? आप सभी जानते हो कि 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक जो है शायद यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, हाँ हाँ 1 से 99 तक के जितने भी संग्रह प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटे हैं। तो कोई भी बच्चे से अगर पूछा जाए कि क्या 100 से कम प्राकृतिक संख्या कितनी होती है तो कोई भी बच्चा जो है उठ के जवाब दे सकता है कि सर 1 से लेके 100 तक की प्राकृतिक संख्या 1 से 99 तक। आपके फ्रेंड भी इस चीज का जवाब देंगे, दूसरे फ्रेंड भी इस चीज का जवाब देंगे, तीसरे फ्रेंड भी इस चीज का जवाब देंगे, चौथे फ्रेंड भी इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि 100 से कम प्राकृतिक संख्या 1 से 99 तक ही होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोला गया है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यह बात मैं यहाँ भूल गया था, यह सही है बिल्कुल। लेखक प्रेमचंद, यहाँ ओनली फॉर 1% की बात की गई है, ओनली फॉर 1% की बात की गई है कि यहाँ पे एक ही लेखक का बात किया गया है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो क्या 1% जो होते हैं, जो 1% होते हैं आपकी नजर में, तो क्या वह संग्रह है या नहीं, संग्रह है या नहीं, आप खुद डिसीजन दे सकते हो। या एक ही आदमी का बात किया गया है, यानी मैं खुद टीचर हूँ, मेरा अगर बात किया जाए कि अमरीश सर एक शिक्षक है, तो अमरीश सर एक शिक्षक है, अब उनके साथ बोला जाए कि 10 शिक्षकों का नाम बताएं, 10 शिक्षक जो एक साथ जुड़ जाएंगे तो 10 शिक्षक आपके नजर में अच्छे तो नहीं है, उसमें से कोई ही 2-4 टीचर जो होंगे आपके लिए अच्छे होंगे, तो वह तो संग्रह नहीं होगा। बट यहाँ पे इसी चीज का जिक्र किया गया है क्या कि प्रेमचंद द्वारा, ओनली फॉर 1% पर्सन, तो आप जानते होंगे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन,
जैसे एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम स्पर्श करते हैं, यानी एक ही आदमी का है, तो यह संग्रह है कि नहीं है? बिल्कुल यह संग्रह है, बिल्कुल यह संग्रह है, यह बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि ओनली फॉर एक पर्सन का उपन्यास की चर्चा की जा रही है, वह उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास बिल्कुल एक आदमी का संग्रह है, इसलिए यह बिल्कुल क्या है, आपका सही है। सातवां क्वेश्चन बोला गया है आपके सामने कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी समपूर्णांक होते हैं या नहीं होते हैं? तो आपको पता है कि सभी समपूर्णांक होते हैं, तो यह बिल्कुल क्या है आपके लिए, सही है भाई, यह संग्रह आपका है। इसमें बोला गया है आठ नंबर में कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, भाई ऑब्वियस है कि आपके फ्रेंड या आप जानते हो कि इस प्रश्न अध्याय में मात्र 5 क्वेश्चन ही दिया गया है, और आपसे फ्रेंड से भी पूछा जा रहा है कि इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो भी बोला है सर 5 प्रश्न दिए गए हैं, फिर तीसरे से पूछा गया तो भी बोला है 5, चौथे से भी पूछा जाए तो बोल रहा है 5, यानी सबका कहना बिल्कुल सेम है, यानी एक ही है, तो यह बिल्कुल क्या है, संग्रह है, यानी कि यह सही है। ओके, उसके बाद यहाँ बोला गया है 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए विश्व स्तर पर हम चर्चा करते हैं तो विश्व स्तर पर खतरनाक जानवर जो होते हैं बहुत होते हैं। एक खतरनाक जानवर नहीं हो सकता है, कुत्ता भी जो है एक खतरनाक जानवर, और शेर का तो हम नाम लेते ही है कि शेर जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके सामने आओगे चीरफाड़ खा जाएगा, लेकिन वहीं उसके पीछे भी एक खतरनाक जानवर है भालू, वो भी तो खतरनाक है भाई आपके लिए, जानवर है कि नहीं है भालू, वो भी आपको फाड़ चीर सकता है, खा सकता है उसको भी, चीता भी हो सकता है, हाथी भी हो सकती है, तो यह आपकी नजर में क्या यह संग्रह है? यह संग्रह बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, तो सब तो खतरनाक ही है भाई, कौन अच्छा है? हम कुत्ता भी अपने घर में पालतू बना के रखते हैं, वह उसी समय तक बात मानता है जब आप उसके बात समझते हो, उसके विपरीत अगर आप जाओगे ना तो आपके ऊपर भी वह काटना शुरू कर देगा, तो वह भी तो खतरनाक है। शेर को आप देखे होंगे कि शेर को भी हम पालतू बना लेते हैं, शेर को पालतू बनाते हैं ना भाई, तो शेर भी तो मेरे लिए पालतू है, तो जब तक वह पालतू है जब तक उसे खून का दर्शन नहीं होता है, खून जब तक वह चख नहीं लेगा तब तक वह क्या है बिल्कुल शांत है। जिस दिन वह खून चख लिया ना उस दिन वह खतरनाक हो जाए। तो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर खतरनाक कितने क्यों होते हैं जानते हैं? इसलिए होते हैं कि उन्हें खून चखने की आदत पड़ जाती है, और जिस जानवर की खून चखने की अगर आदत पड़ जाए ना वह अत्यधिक खतरनाक। देखे होंगे आपके गली मोहल्ले में कुत्ते होते हैं बहुत सारे, आवारा कुत्ते होते हैं, अब उस आवारे कुत्ते को देखिए कि बहुत लोग पोस के रखते हैं, अपने द्वार में बुलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, खाना खा लेता है, बट वह किसी को काटता नहीं है, लेकिन जिस दिन वह किसी व्यक्ति को काट लेना तो आप समझ जाए कि उससे द्वार पे लाना द्वार पे खिलाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, वह आपको भी काट सकता है, तो वह भी एक जानवर जो है खतरनाक हो गया। तो इस प्रकार से आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवर जो है कौन कौन से हैं, बहुत सारे जानवर खतरनाक हो सकते हैं, तो यह संग्रह बिल्कुल नहीं है। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गया है कि मान लीजिए कि a इक्वल 1 2 3 4 5 6, ये ब्रैकेट में है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अथवा वर्ण, यहाँ पे आपको एक चीज भरना है कि 1 2 3 4 5 6 में से आपके पास रिक्त इसके संख्या कौन कौन से हैं, इसमें ये संख्या आपको कौन कौन से दर्शा रहे हैं,
जो स्थानों में क्या करना है उपयुक्त इसको भर देना है। इसमें कुछ नहीं बोला है, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है कि ए डॉट डॉट ए, ए डॉट डॉट ए। अब बताइए कि ए डॉट डॉट ए क्या पांच की संख्या में इसमें से संख्या से इसमें से ये वाला संख्या दिख रहा है ना आपको एक से लेकर छह तक। अब ए से लेकर छह तक पांच बराबर ई है क्या, आठ बराबर ई है क्या, जीरो बराबर ई है क्या, चार बराबर ई है क्या, दो बराबर ई है क्या, दस बराबर ई है क्या, यही संख्या जो है हमें इसमें पुट करना है। तो बताइए कि आप लोगों को फर्स्ट क्लास में मैंने एक चर्चा किया था क्वेश्चन में किसको हम सही कह सकते हैं किसको हम सही नहीं कह सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, इसलिए हाईलाइट करता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हाईलाइट करना मेरे लिए जरूरी बन गया है। यह क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा मिस्टेक भी कर लेगा तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप देख ही लीजिए तो बेस्ट आपके लिए रहेगा। अब देखिए एक से लेके छह तक, एक से लेके छह तक जो संख्या दी गई है क्या 5e के बराबर है या नहीं है, 5e के बराबर है या नहीं है, यही तो हमें जानना है कि इसमें आपको एक प्रतीक मैंने बताया था ऐसा सिंबल, इसको हम क्या बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देखा होगा तो इस चीज को आपको याद होगा कि इस चीज को हमने क्या बोला था, इसको हम बोलते हैं बिलोंग टू, बिलोंग टू, इसको बोलते हैं हम नॉट बिलोंग, आप लोग याद हो किसको हमने बोला था बिलोंग टू, ठीक है, और इसको बोला था हमने नॉट बिलोंग टू, यानी कि 5a क्या बिलोंग टू है या बिलोंग नॉट टू है। तो यही चीज हमें इसमें पता है कि यह संख्या जो दी गई है इसके बराबर की है या नहीं है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हो कि 5e के बराबर है तो ऑब्वियस है एकदम बिल्कुल सही है कि 5e के बराबर है, 8e के बराबर है, 8e के बराबर है बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ जो संख्या दी गई है आपके पास लास्ट 6 तक दी गई है। अब जीरो ये बराबर है इसमें भी तो जीरो नहीं दिया एक सौ सोलह हो रहा है तो आप यहाँ सोल्व कर सकते हैं जीरो नॉट बिलोंग टू। चार ई के बराबर है ऑब्वियस है सही है बिल्कुल कि फोर बिलोंग टू ई, टू ए यानी सही बात है कि टू भी दिया गया है टू बिलोंग टू ए। टेन ए इक्वल है नहीं है बिलोंग नॉट टू, टेन बिलोंग नॉट ठीक है, तो यह जो है आपका क्या हुआ परफेक्ट आंसर हो गया। तो वैसे आप आराम से लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, बोले कोई दिक्कत है इसमें, इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई भी संख्या दिया जा सकता है एक से लेकर इसमें छह तक दिया गया है। अगर आपको मैं क्वेश्चन एक अपने मन से देता हूं यहाँ क्वेश्चन जो है अपने मन से देता हूँ आप लोग करने के लिए आप कर सकते हैं, यहाँ एक से लेकर आठ तक दिया हम देते हैं कि जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ तक हम संख्या किसी को रखे हैं। चार और यहाँ पांच जीरो से लेके हम रखा है कितने तक रखा है भाई आपने नौ तक रखा है और इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रखता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ रखता हूँ आठ डॉट डॉट ए इक्वल यहाँ नाइन डॉट डॉट ए यहाँ पंद्रह डॉट डॉट ए अठारह डॉट डॉट ए जीरो डॉट डॉट ए और पांच डॉट डॉट ए चलो आठ में आठ रख दिया। अब आप मुझे बताओ आठ तो दिया गया है ना यहाँ पे अठारह चलो अठारह भी दे दिया गया है भाई, मैं यहाँ रख देता हूँ भाई ट्वेंटी
अब इसमें जो है आपको सोल्यूशन करना है क्या आठ इस संख्या में दी गई है क्या। हाँ ऑब्वियस है कि आठ इस संख्या में दी गई है, उपयुक्त संख्या में दी गई है। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लगा सकते हैं बेटा, यहाँ सोल्यूशन में आप क्या दे सकते हो कि एट बिलोंग टू नाइन है इस संख्या में, ऑब्वियस है कि नाइन दिया गया है तो क्या लगा सकते हो नाइन बिलोंग टू। 15 दिया गया क्या, नहीं दिया गया आपके पास तो 15 सॉरी नॉट बिलोंग टू ए। 18 दिया गया है, बिल्कुल नहीं दिया गया है 18 नॉट बिलोंग टू ए। 0 दिया गया आपके पास, ऑब्वियसली यहां 0 दिया गया है तो 0 बिलोंग टू ए। 20 दिया गया है तो इसमें 20 तो है नहीं तो यहां लिखेंगे 20 नॉट बिलोंग टू। इस प्रकार से जो है आप आंसर आराम से दे सकते हो। तो बोलिए यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत होगी तो यहाँ बता सकते हैं। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है भाई, यहाँ बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, क्लियर है सबको, एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस बुक का तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तीन नंबर क्वेश्चन मेरे को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो है ना रोस्टर रूप लिखने को सिखाया था कि रोस्टर रूप आप कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप इंट्रोडक्शन वीडियो पहले जाके देख लीजिए जरूर कि रोस्टर रूप हमें लिखना कैसे है, रोस्टर रूप होता क्या है, रोस्टर रूप को कितने भागों में बांटा गया है, रोस्टर है क्या। तो इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा और यहाँ पे दिखा सकता है कि E इक्वल S। अब इसको हम यहाँ पे अनुपात जैसा दिया गया है, अनुपात जैसा दिया गया है ना बिल्कुल, तो अनुपात जैसा दिया होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, अनुपात जैसा दिया होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, सच डेट कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सच। इसको हम क्या बोलते हैं, सच, यानी कि x such that x, x x such that x, याद रखिएगा x such that x एक पूर्णांक है और माइनस तीन से छोटा x और माइनस सॉरी छोटा है सात, यह क्या बिल्कुल सही है कि नहीं है। अब बिल्कुल ये परफेक्ट आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत यहाँ दिख रहा है दिखने में कि x such that x एक पूर्णांक है और माइनस थ्री से छोटा x से छोटा सात है। तो यहाँ लिखना क्या है आपको रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में लिखने में कोई आपको यहाँ दिक्कत होने वाली नहीं है, आप आराम से रोस्टर रूप लिख सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ माइनस तीन जो है दिया गया है तो माइनस तीन से हम छोटा रख सकते हैं, यानी कि माइनस तीन रख ले हम, चलो माइनस दो रख ले और माइनस हम यहाँ और कितना दिया है कि सात से छोटा दिया है, सात से छोटा, तो सात से छोटा संख्या कितना हो जाएगा एक से लेके छह तक, तो यहाँ कर सकते हैं हम जीरो एक दो तीन चार पांच और यहाँ पे यही आपका हो गया रोस्टर। ये हो गया आपका क्या रोस्टर रूप, तो ऐसे आप लिख सकते हो रोस्टर रूप, कोई दिक्कत। दूसरा बोला गया है क्वेश्चन में बी में, बी में क्या बोला गया है कि बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या कितनी होती है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 6 से प्राकृत संख्या जो होती है कितनी होती है, यानी कि b इक्वल कितना है भाई आपके पास 6 से कम प्राकृत संख्या, यानी कि 2 3 4 और यहाँ पे 5, तो यह पांच संख्या जो है आपके पास प्राकृत संख्या 5 6 से छोटी हो गई। अब यहाँ बोला गया है तीन नंबर में, यानी कि c नंबर में क्या बोला गया है आपके पास, तो c नंबर में यही बोला गया है ना आपके पास कि x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल कितना है 8 है, और भाई योगफल क्या होता है यानी कि जुड़,
तो ऐसी संख्या आप रखिएगा ताकि योगफल जो है आपका 8 आ जाए। तो ये तो बिल्कुल आसान आपको दिख रहा है भाई, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। अब ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे एग्जाम में आ जाएगा तो मैं तो टपी आ जाऊंगा। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बस आपका कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। आप क्वेश्चन को देखते ही उसका सोल्यूशन कर दीजिए, क्यों जरूरी है, क्योंकि आप रिविजन कर रहे हो। तो ये कितना आसान दिख रहा है क्वेश्चन देखने में। कहता है कि अच्छा कि एक्स माइनस एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल जो है 8 है। अब 8 योगफल वाली संख्या में बनाना है तो इसका सोल्यूशन जो है हम बीच में ही कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसे मिटाए, पहले मिटा लेते हैं ये वाली संख्या को ताकि हमें सोल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे सोल्यूशन पांच से कम दो अंकों की संख्या का योगफल 8 है, तो 1 और 7 कर सकते हैं क्या? 1 और 7, 1 और 7 कर सकते हैं 17, 1 और 7 17 कर सकते हैं हम, और यहां हम कर सकते हैं 7 और 1 कर सकते हैं आप, हो जाएगा कोई दिक्कत। 5 2 7, 5 और 3 कितना कर सकते हैं? 8 कर सकते हैं, 5 और 3 8 कर सकते हैं, 5 3 8 कर सकते हैं हम, 3 और 5 कर सकते हैं 8, और कौन सी संख्या कर सकते हैं बताइए? 7 1 कर सकते हैं 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, 1 7 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 3 5 जो है मेरा 8 हो गया। अब हम कौन सी संख्या याद कर सकते हैं? 2 और 6 कर सकते हैं, 2 6 26, 6 और 2 3 5 5 3, 7 1 8 कर सकते हैं, 6 3 2 5, और यहाँ पे कितना है? बहुत सारे संख्या जो है हम यहाँ पे काम करके 8 योगफल तक ला सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके लिए आसान है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप यहाँ आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत है। 1 7 कर सकते हो, 7 1 कर सकते हो, 5 3 कर सकते हो, 3 5 2 6, 6 2, ऐसा संख्या जो है आपके पास क्या है? दो अंकों के प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योगफल कितना है? याद है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि x सब्जेक्ट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या देखिए 60 की भाजक है। यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है सर, मेरे से यहाँ क्वेश्चन में मेरे से मिसप्रिंट हुआ है कि 60 का भाजक है, यानी कि यहाँ जो दिया गया है ना आपके पास 4 नंबर का दिया है, 4 नंबर में जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए यहाँ पे 60 की जगह नहीं 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए कि एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 6 की अभाजक है, जो 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक तो हो सकता है मेरा 2, 6 का एक भाजक हो सकता है क्या मेरा 1 2, और दूसरा हो सकता है क्या 3, हो सकता है 2 3, और 5 भी हो सकता है क्या भाजक? 2 3 6 नहीं 1 6 हो सकता है। अगर आपके पास 60 है, अब देख लीजिए अगर मेरे से मिस्टेक हुआ है क्या हुआ ये पता है, अगर आपके पास 60 है या देख लीजिए अगर आपके पास 60 है तो 60 का भाजक जो हो जाएगा यहाँ 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, और यहाँ 5 हो सकता है। 2 3 और 5 आप याद रखिए, अगर आपके मेरे से मिस्टेक प्रिंट हुआ है ना तो यहाँ जाके आप देख सकते हो कि अगर 6 हो तो 2 3 और 6 होगा, अगर 60 होगा तो 2 3 और 5 होगा। ओके चलिए आगे लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है ई नंबर क्वेश्चन में कि ई इक्वल ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए सभी अक्षरों का समुच्चय क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री सभी शब्द के अक्षरों का समुच्चय। हाँ इसका कहने का मतलब है कि इस सभी संख्याओं का समुच्चय जो है, यह ट्रिग्नोमेट्री तो लिखा गया है लेकिन कई अक्षर 1 2 बार आए हुए हैं तो उन अक्षरों को हम एक बार ही लिखते हैं। आप इंट्रोडक्शन में जाकर देखिएगा, ठीक है, समुच्चय में कि जो संख्या 2 बार लिखी गई है उन संख्याओं को हमें एक बार ही लिखना है, यही होगा समुच्चय। ठीक है, यहां देखिए कि टी लिखा गया है तो हम टी यहां लिखते हैं, आर लिखा गया है
जितना बार आर हो एक ही बार आर लिखना है, दो बार आर दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ पे आर दिख रहा है और एक यहाँ पे आर दिख रहा है, तो दोनों में से हम एक ही संख्या को रखेंगे आर। आई आपके पास देखिए कितना दिया गया है, एक ही दिया गया है तो आई आप एक रखिएगा। उसके बाद जी देखिए कितना बार दिया गया है, एक बार ही दिया गया तो एक ही बार रखेंगे। ओ कितने बार दिया गया है, तो दो बार दिया गया, देखिए एक ओ यहाँ दिया गया है एक ओ यहाँ दिया गया है, तो इस दोनों में से हम एक ही वो रखेंगे जी ओ। उसके बाद एन देखो कितना दिया गया है, एक ही दिया गया है तो हम एन रखेंगे। उसके बाद देखिए ओ तो मेरा हो चुका है, एन एन एक बार लिखा गया तो हम एन एक बार ही रखेंगे। उसके बाद ई देखो नहीं लिखा गया है कहीं, नहीं तो ई हम रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद टी कहीं रखा गया है, जरूर ऑब्वियसली टी यहाँ रख दिया गया है। आर भी रख दिया गया, वाई नहीं रखा गया है तो वाई रखेंगे। तो यह जाके यानी T I T R I G O N N N E Y, ठीक है। अब देखिए यहां बोला गया है कि बेटर शब्द का अक्षरों का समुच्चय, सेम उसी प्रकार से ये भी दिया गया है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह, तो बेटर अक्षरों का सभी संग्रह ऐसा हो सकता है। यानी कि यहां भी संख्या जो दे दो बार रिपीट की गई है, तो B, उसके बाद देखिए ई दो बार दिया गया तो एक ही रखेंगे हम। तो यहां देखेंगे बी कितना दिया गया मेरे पास, ई बी कितना दिया गया है, बी बी एक ही दिया गया तो हम बी रखेंगे यहाँ। उसके बाद ई, उसके बाद ई तो दो दिया गया, डबल टी दिया गया तो एक ही टी रखेंगे और आर बी, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोग की ये वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी है अगर वीडियो आप लोगों को, तो इस वीडियो को सबसे पहले क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सबसे पहले आप लाइक हाँ, तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करिए, ठीक है भाई, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और साथ में क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब। आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए भाई, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी जरूर संग में कर दीजिए। आप लोग हमेशा खुश रहिएगा, हम भी खुश रहेंगे, ऑलवेज यू हैप्पी, सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, 5, 6, 7, 8 से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।